डन हो चुका है। कैसे लग रहे हम दोनों? ये भी ऐसे जाएगी ना, ना। भैया बढ़िया, थोड़ा कलर करेक्ट कर लेना। हाँ। चल ठीक है, ठीक है भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमें शिमला से आने के बाद मौका मिला है कि हम घर की थोड़ी सफाई कर सकें और अपने कपड़े धोएं, क्योंकि उसके बाद हम बैक टू बैक ऑफिस कर रहे थे क्योंकि छुट्टियां ले ली थी और आज सैटरडे है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ घर के काम कर लें। यार इतने दिन से कपड़े मशीन में डल रहे थे, बस पूरे इकट्ठे हो गए इतने सारे कपड़े, अब यार अब कैसे धुलें। तो अभी मैंने और स्वप्निल ने मिल के घर के थोड़े से काम सॉर्ट किए हैं और बहुत बड़ा काम ख़त्म हुआ हमारा। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज कढ़ी बना लें हम लोग। कढ़ी खाने का मन है, छुट्टी वाले दिन तो मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना लें। और आज हमें, मुझे और स्वप्निल को काम है। बिंजू क्या काम है बता दो ज़रा। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है ना, है ना? डॉक्यूमेंट करने हैं, फोटोकॉपी और फोटो खिंचवानी है। हाँ करना जरूरी है। हाँ आज मौका मिला यार, टाइम मिला है। तो अभी हम लोग चलते हैं, है ना? लंच बना दो, लंच करते हैं, कढ़ी राइस बनाते हैं। बहुत सारे दही रखी हुई है फ्रिज में, कढ़ी बनाओ और कढ़ी चावल खा के बाजार को चलो। और फिर उसके बाद हम बाजार जा रहे हैं। बाजार जाने के बाद हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि पहाड़ी लोग काम से नहीं जाते, पहाड़ी लोग बाजार जाते हैं। क्या पहाड़ी लोग काम से नहीं जाते? पहाड़ी लोग किसी भी काम से जाने को होते क्या बोलते हैं? हाँ। चलो बाजार को चलते हैं, मतलब काम निपटाने जाते हैं। और पता क्या लगता है, ये घूमने जा रहे हैं। नहीं लोगों को लगता है, लेकिन बाजार जाना मतलब काम निपटाना। हाँ काम निपटाना, तो मुझे लगता है हम घूमने जा रहे हैं बाजार का नाम लेते ही। तो अभी हम लोग फटाफट से लंच करते हैं और निकलते हैं, यार लेट हो रहा है। पापा भी बाहर किसी काम से गए हुए हैं, तो हम धूप, आज दो दिन से धूप आई है, पहले तो बारिश बैक टू बैक हो रही थी, तो सोचा आज कपड़ों को धूप लग जाएगी, थोड़ा काम ये भी खत्म होगा। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं झोली, कड़ी थोड़ी हैवी होती है, झोली बना रहे हैं हम लोग। और सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई मिर्च जो होती है उसके दाने हैं, हींग है, जीरा है, मेथी है, सरसों है, सब चीज मिलाई हुई है। हमारी पकौड़ियाँ हैं जो कि काली हो चुकी हैं। यार इसमें हम खाने वाला सोडा डालते हैं, काली हो जाती है, मुझे लगा था हम ज्यादा डाल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ऐसा। तो चलो अभी बनाए फटाफट से बढ़िया सा कढ़ी और राइस और खाते हैं खाना, ऑफिस का निकलना है जल्दी से। और हमारे कढ़ी बन चुकी है, मुझे तो बढ़िया कढ़ी है ना, अच्छा है ना, इसमें राइस। तो आप लोग सोचोगे कि यार हम लोग खाना ही दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमें खाना, मतलब मैंने खाना बहुत कम बनाया है, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊं तो मैं उसे दिखाऊं कि यार सही में अच्छा बना है। कढ़ी राइस बन चुके हैं, और पिंचू कैसा बना है? और आज पिंचू पहाड़ी स्टाइल में खा रहा है हाथ से, है ना? अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे रोटी पसंद है। हाँ जी शालू मैडम। यार अब आखे ना, अब हम जब कह रहे थे निकलते हैं लंच करते ही, इतनी ज्यादा भात खाते नींद आ गई मुझे, तो मैं तो सो गया और स्वप्निल भी सो गया। हाँ। अब उठाया फटाफट से की थी, यार ये काम हो गया हमारा और हम अब निकल रहे हैं काम के लिए। तो मैं अपने सारे सर्टिफिकेट लगा रही हूँ, मुझे कौन कौन से नई फोटोज भी खिंचवानी है। हाँ, कुछ खिंचा लेते हैं, इंडिविजुअल भी चाहिए और टुगेदर भी चाहिए। आज तक अभी तक कैसा होता था ना कि यार फोटो हम लोग खिंचाते थे सिंगल, क्योंकि मैं सिंगल थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब हस्बैंड के साथ फोटो खिंचा रही पहली बार, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे तो। लेकिन बस पिंचू की पासपोर्ट साइज फोटो खींच रही है मेरे सर्टिफिकेट के लिए। अब भैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं, चाहिए ना एक फोटो। वह थोड़ा करक करक कर देना है ना, डन हो चुका है। कैसे लग रहे हम दोनों? ये भी ऐसे जाएगी ना, भैया बढ़िया थोड़ा कलर करेक्ट कर लेना। हाँ। चल ठीक है, इतनी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है भैया। तो गाइस हमने अभी फोटो खिंचा ली है और सीधा सारा पहुंचे हैं घर से निकल के, बहुत ज्यादा रश था। और अभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करानी है। हम फोटो कॉपी करा लेते हैं फटाफट से ये भी, है ना, डॉक्यूमेंट्स की, और फिर उसके बाद निकलते हैं। अभी हम लोग आए हैं
जो हमारे पुराने शूज हो चुके हैं उस किसी जरूरतमंद को दे दें, क्योंकि हम तो पहन ही रहे हैं। तो मंदिर के पास है, कालीपल्टन मंदिर के पास, वहाँ दे देते हैं। ये शूज हैं, ये जूते काम आएंगे। चलो, और ये रहा हमारा मंदिर, अगरनाथ शिव मंदिर। बढ़िया वाइब रहती है यहाँ कालीपल्टन मंदिर। और यहाँ भीड़ इतनी रहती है ना, जब कभी यहाँ पे दर्शन करने का मन हो तो उसी दिन भीड़ है। ये देखो आरती चल रही है, ये पूरी आरती है। अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान जी हमारे दर्शन करा दिए। अभी यहाँ पे मतलब पूजा पाठ चल रही है, तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। सब प्यारा मंदिर बनाया हुआ है, और जन्माष्टमी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो चलो निकलते हैं। आज मेरठ की मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि उससे पहले शिमला गए हुए थे, चंडीगढ़ गए थे, और इतने टाइम बाद आया लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है अपने मेरठ में। देखो वाइब ही अलग है पूरे मेरठ में, है ना। ये हनुमान चौक, यहाँ हमेशा हलचल मची रहती है। तो यार अपने मेरठ वाइब सही में अलग है। मेरठ यार भाई, और हमारी हमारा घर है तो हमें अच्छा लगेगा ही, है ना। थोड़ी देर में घर को चलते हैं, और क्या है, काम तो हो गए सारे। काम तो सारे ही हो गए। चलो अब जूस पीते हैं। सामने हम लोग कितनी बार आते हैं, और पिंचू अब इतना होने के बाद जूस पीना है। जूस पीने आ गए। मार्केट कितना बढ़िया बना है। हाँ हाँ, आप बोले ना, आज बहुत ज्यादा रश है। आज सैटरडे नाइट है ना, तो सैटरडे नाइट पे रश बहुत ज्यादा है। और यहाँ हमारे दिल्ली छोले भटूरे ओजी प्लेस। बड़ी जल्दी आ गया जूस, अच्छा बना। गुड्डू और तिन्नी, तुम ये देखो, तुम्हारा फेवरेट दिल्ली छोले भटूरे वाले के यहाँ भटूरे तले जा रहे हैं। आ जाओ मेरठ, आ जाओ जल्दी। तो मिनीसो में देखी कुछ आया था क्या? हाँ देख लेते हैं। और पंचो मिनीसो में आ चुका है कुछ देखने। ये आइस क्यूब्स चाहिए थी यार हमें। नहीं वो वाइट वाली देखो, हाँ फ्रिज देखने भी जाना है, है ना। पंचो क्या पसंद किया ये हमें? हाँ आटा रखने के लिए आज पिंच ने फेंका, ये काम हो गया। तो छोटा हो जाएगा, ये पापा के लिए हमें लेना था, हमें मिला नहीं। हाँ हाँ पापा बहुत पसंद आएगा, तो ले लेते हैं। लिया चले, चलो थैंक यू भैया। काम की चीज ले लिया, पापा को लेना भी था आज ही। मुझसे कह रहे थे तुम ले, वो नहीं लिया, और मैंने ले लिया आज। और अभी हम लोग सोच रहे दिवाली पे कुछ चेंज करने के लिए, तो अभी से उसको देख रहे हैं कहाँ अच्छा हमें बजट में अच्छा मिल सकता है। पंचू हाँ, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ ये वाला, इट्स नाइस। लेकिन ब्लैक में बहुत मज़े लगते हैं, मज़े। तो अभी हम लोग एक और शॉप पे आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं चीज़ें यार, एंटरटेन। इन्हें पता था कि श्राद्ध हो रहे हैं, लेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब अभी श्राद्ध में ले। एक और जगह आ गए फ्रिज देखने के लिए। एक हमने ये भी देखा है, एक गोदरेज का। दिस इज सो स्मार्ट यार। अच्छा तो सामान आएगा वो 270 का लेकर आया। कितना लीटर है ये? 310 लीटर है वैसे तो। मतलब कैपेसिटी, लेकिन मेंशन कैपेसिटी 270 वाला है। तो अभी भैया कह रहे हैं, ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा वुड जी मैडम। अच्छा हाँ, दिस इज लुकिंग गुड। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और हमने आज बहुत सारे फ्रिज देखे, और पापा के लिए सामान मिल गया मुझे फाइनली जाने वाला। उसके बाद आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने केक ऑर्डर किया, और उसको बोला हम तेरा बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम चाउमीन लेके आए हैं, हमने चाउमीन ली बहुत सारी, और हमने पनीर, पालक पनीर लिया। चाउमीन पता किसकी? बहादुर की। बहादुर की। लोग बड़ा अच्छे डिनर करते हैं, बड़े मूवी चलाते हैं, और अपनी चाउमीन खाएंगे फिर। गाइस अभी हम लोग आज के दिन को यहीं खत्म करते हैं। चलो ठीक है।